जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, आपकी सेवा में नई नई जानकारी लेकर के हम हाजिर होते रहते हैं और आपके सुख समृद्धि की परमात्मा से कामना करते हैं, आप सुखी रहें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मित्रों, आज बात करेंगे शुक्र का मीन राशि और शुक्र का मेष राशि। दो राशियों में शुक्र महाराज अभी गोचर कर रहे हैं, अभी मीन राशि में चल रहे हैं और अब आने वाले टाइम में मेष राशि के अंदर भी पहुंचने वाले हैं। अब दोनों राशियों के बारे में बात करेंगे, थोड़ी बात मीन राशि की, थोड़ी बात मेष राशि। ध्यान से सुने कि शुक्र का जो ये राशि परिवर्तन है, जो युति है, पहली युति बृहस्पति के साथ है मीन राशि में और दूसरी जो युति है वो राहु के साथ है मेष राशि के अंदर, क्या प्रभाव पड़ता है बाकी राशियों पर। क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है कि जब भी गोचर में आता है तो सभी राशियों को कुछ न कुछ प्रभाव देता है, कि नेगेटिव भी देता है और पॉजिटिव भी देता है। इसी के बारे में आपसे बात करेंगे। 15 फरवरी 2023 सुबह 8 बजे करीब, 8 बजे रात्रि के समय शनि की राशि से निकल करके शुक्र ने गुरु की राशि मीन राशि में प्रवेश किया था। 15 फरवरी को आए थे। शुक्र धन ऐश्वर्य सुख वैभव के कारक हैं, समृद्धि संपन्नता प्रेम आकर्षण के कारक हैं, लव रोमांस विवाह संतान के कारक भी। दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके अभी मीन राशि में 15 फरवरी को पहुँचे हैं और 12 मार्च 2023 मीन राशि में बैठे। 12 मार्च के बाद ये मेष राशि में गोचर करेंगे। हम दोनों राशियों के बारे में आपको बता रहे हैं। अब मीन राशि में शुक्र उच्च का प्रभाव लेकर आए हैं। इस राशि में उच्च के होते हैं और उच्च का जब कोई ग्रह होता है तो वो अपने जो कारतत्व होते हैं उससे संबंधित जो फल होते हैं उनको देने में वो पूर्ण रूप से सक्षम होता है। तो शुक्र ने भी मीन राशि में बैठ करके आपको सारे सुख देना शुरू कर दिया है, जिन सुखों के शुक्र कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति अपने स्वराशि में बैठे हैं, मीन राशि में बैठे हुए हैं। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति दोनों की युति मीन राशि में, ये जो युति है जो समृद्धि मान सम्मान धन ऐश्वर्य वैभव देने वाली, सभी मानते हैं इस चीज को कि ये सब देती है और दे रही है। शुक्र यहाँ पर बहुत ही एक सकारात्मक परिणाम देते हैं। यह अगर आपकी कुंडली में पूरे एक साल के बाद बन रहा है, एक साल के बाद शुक्र अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं और शुक्र से संबंधित जो जो चीज़ें होती हैं, जितनी देर शुक्र मीन राशि में बैठेंगे उतनी देर उतने दिन उतने समय आपको सारी चीज़ों को बड़ी सरलता से देंगे और आपको भी एहसास होगा कि शुक्र का फल हमें कैसा मिला। अब देखो, गुरु यहाँ पे धन विवाह संतान धर्म और लाभ के कारक हैं। दोनों ग्रह शुभ ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं दोनों, दोनों गुरु भी हैं और सुप्रभाव देने के लिए दोनों ही ग्रह प्रसिद्ध हैं। गुरु अपना जो प्रभाव उसको देते हैं, शुक्र जो अपना प्रभाव उसको देते हैं। अब गुरु देखिए यहाँ पे आपको ज्ञान धन विवाह संतान धर्म के साथ लाभ के कारक हैं, तो इन चीज़ों को देंगे और दे रहे। और शुक्र यहाँ पे वैभव धन ऐश्वर्य काम सुख सुंदरता विवाह स्त्री के कारक हैं, तो जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी करा रहे हैं शुक्र देवता,
स्त्री दिला रहे हैं, और गुरुदेव उन लड़कियों की शादी करवा रहे हैं जिनको शादी में दिक्कत आ रही थी, उनको वर नहीं मिल रहा था, उनको वर दिलवा रहे हैं। तो गुरु और शुक्र दोनों ही शादी करा रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। पीछे भी शादियाँ बहुत चल रही हैं, आप भी देख रहे होंगे, ये सब गुरु शुक्र की देन है। जहाँ ज्ञान हो, धर्म हो, अगर वहाँ पे धन और ऐश्वर्य भी आ जाता है साथ में, तो जीवन स्वर्ग के समान सुंदर बन जाता है। ये सब ईश्वरीय कृपा है, परमात्मा की देन है, और जो परमात्मा को मानते हैं, नास्तिक नहीं हैं, आस्तिक हैं, उनके लिए सब चीज़ें सुलभ होती हैं। गुरु और शुक्र दोनों ही संतान विवाह के कारक हैं, और इन दोनों ग्रहों की युति बनने से संतान और विवाह का जो योग है वो बनना शुरू हो रहा है, बन रहा है। दोनों ही गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु बृहस्पति, एक राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। दोनों गुरुओं की युति से जातक धनवान, कीर्तिवान, सात्विक, धार्मिक, ज्ञानी, गुणवान और संस्कारी होने के साथ जीवन की सभी जितनी भी ये सारी सुख सुविधाएं हैं, इन सबको भोगने के लिए बिल्कुल तैयार है, और भोगता और भोग रहा है, आगे भी भोगेगा। शुक्र द्वारा मालव्य और गुरु द्वारा यहाँ एक हंस नामक पंच महापुरुष योग है, इन दोनों का निर्माण हो रहा है केंद्र में, और दोनों ही योग हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और सुख सुविधा देने वाले दोनों ही योग हैं। अब बात करते हैं मेष राशि में शुक्र का गोचर क्या परिणाम देगा। मैं दो बात आपको अपने बारे में कहना चाहता हूँ। जो दर्शक हमसे नया जुड़ रहे हैं, बिल्कुल नया, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकॉन उसको ऑल करें। जो भी वीडियो हम YouTube पर अपलोड करेंगे, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए, जो जानकारी हम देना चाहते हैं सबसे पहले आपको मिलेगी। दूसरी बात, जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनसे निवेदन है कि जो जानकारी आप को मिल रही है, वो जानकारी आप हमारे वीडियो को शेयर करके अपने मित्रों को पहुंचा सकते हैं, और उन मित्रों को भी हमसे आप जोड़ने का काम कर सकते हैं। आप एक हमारे लिए एक पुल का काम करेंगे कि अपने मित्रों को हमसे जोड़ें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, धन्यवाद। कुंडली का विशेषण अगर आप अपनी करवाना चाहते हैं, आपकी कुंडली में कोई दोष है, कोई परेशानी है, ज़िंदगी में कोई समस्या आपके सामने आ रही है, तो कुंडली की डेट ऑफ बर्थ, कुंडली का जन्म का समय, और जहां आपका जन्म हुआ वो स्थान, आपके सामने हमारा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप कीजिए। उचित और सटीक जो भी आपका समाधान होगा आपको बताया जाएगा। वर्षफल बनवाना हो, एक साल का, दो साल का, पाँच साल का, कंप्यूटर से बनवाना है कंप्यूटर आईडी बनाते हैं, हस्तलिखित बनवाना है तो हस्तलिखित भी बनाते हैं, दोनों तरीके से बनाते हैं। कुंडली बनवानी हो तो कंप्यूटर आईडी कुंडली भी बनाते हैं, और हस्तलिखित कुंडली, दोनों तरीके हम कुंडली भी बनाते हैं। कुंडली आपको डाक द्वारा भेजी जाती है, कंप्यूटर वाली कुंडली को आपको PDF फाइल के द्वारा आपको व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। बात करते हैं शुक्र की, शुक्र का जो गोचर है, 12 मार्च को 8:28 में सुबह शुक्रदेव का गोचर मेष राशि में होने जा रहा है, और ये यहाँ पर 6 अप्रैल तक रहेगा। शुक्रदेव यहाँ 6 अप्रैल तक रहेंगे, विराजेंगे। यहाँ पर पहले से ही राहु महाराज विराजमान हैं, शुक्र और राहु की युति यहाँ थोड़ा सा अच्छा एक योग नहीं बनाती। इसको हमारी ज्योतिष की भाषा में एक लज्जित योग कहा जाता है, कि लज्जित योग जो दोष होता है उसका निर्माण करती है युति। तो लज्जित दोष का मतलब होता है कि शुक्र और राहु की जो युति है जिंदगी में कई बार इल्लीगल रिश्ते भी बना देती है। अब रिश्ता तो गलती से या नासमझी से या जल्दबाजी में जैसे भी है बन जाता है,
लेकिन उन रिश्तों को निभाना बड़ा कठिन होता है और ज़िंदगी में आगे चल के ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी राहु के द्वारा पैदा होती है। इसलिए इसे लज्जित दोष कहते हैं। अब मेष राशि से मीन राशि तक राहु और शुक्र का प्रभाव क्या रहेगा वो आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि में शुक्र धन भाव के स्वामी होकर बैठे और ये सप्तम भाव के स्वामी भी, तो शुक्र का यहाँ बैठने का मतलब धन की जो कमी मेष राशि वालों के पास है उसको ये दूर करेंगे और सप्तम के स्वामी होने के साथ पति पत्नी का अगर कोई मतभेद, कोई बीच में अगर डिस्प्यूट था तो वो बरकरार रहेगा, वो कम नहीं हो पाएगा क्योंकि सामने राहु देवता बैठा हुआ है साथ में और राहु केतु सप्तम में बैठा है, तो ये जो डिस्प्यूट है, मनमुटाव है, वैचारिक मतभेद है ये बना रहेगा, लेकिन धन की जो कमी थी शुक्र महाराज यहाँ मेष राशि में बैठ के उसको पूरा करेंगे। जिनकी शादी संबंध में दिक्कत आ रही है मेष राशि वालों के लिए शुक्र यहाँ बैठ के उनको शादी का योग बनाएंगे। तो जो ऐसे जो जातक हैं जो शादी योग हैं, शादी में परेशानी बाधा थी, तो शुक्र के यहाँ गोचर करने से उनकी वो बाधा दूर होगी और उनका शादी ब्याह का योग बनेगा। बात करते हैं वृष राशि। वृष राशि के लिए शुक्र और राहु का जो गोचर है वो द्वादश भाव में हो रहा है। अब द्वादश भाव में शुक्र उसका प्रभाव दिखाते हैं, जो तो हमने आपको पहले भी बताया फिर बता रहे हैं कि द्वादश भाव में जो शुक्र का प्रभाव है वो इस तरह से उच्च का होता है और राहु का जो प्रभाव है ठीक नहीं मानते, तो राहु यहाँ खर्चा बढ़ाने का काम करेगा। खर्चा बढ़ेगा, शुक्र धनदायक योग बनाएगा तो राहु उसको खर्च करवाएगा, तो थोड़ा अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें, ये समय आपके लिए थोड़ा ठीक नहीं है। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं या विदेश जाने का आपका प्रोग्राम है तो समय आपके लिए बहुत बढ़िया है, आप जा सकते हैं। राहु और शुक्र बारहवें भाव में आपको विदेश यात्रा करा सकते हैं। खर्चों पर कंट्रोल रखें, जो आपके लीगल रिश्ते हैं उनको संभाल के रखें और इनलीगल रिश्तों से थोड़ा सा दूरी बना कर रखें, आपको फायदा होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए शुक्र और राहु का जो योग है वो लाभ भाव में बन रहा है, एकादश भाव में बन रहा है। अब शुक्र यहाँ मिथुन राशि के लिए 12th हाउस के मालिक हैं और पंचम भाव के मालिक हैं, तो पंचम भाव के मालिक होने के नाते संतान सुख में वृद्धि होगी, विद्या बुद्धि अच्छी काम करेगी आपकी। अगर कोई पढ़ाई एजुकेशन के संबंधित कोई अगर परीक्षा एग्जाम देना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आपको उसमें राहु साथ बैठने से बुद्धि तीव्र होगी आपकी और उसको आप बड़े आराम से क्लियर कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है यहाँ मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र राहु का, क्योंकि अभी शनि महाराज भी भाग्य में बैठे हुए हैं, तो मिथुन राशि वालों की तो बल्ले बल्ले हैं, उनको शुक्र की तरफ से भी लाभ है और शनि महाराज की तरफ से भी उनको लाभ है। अगली राशि की बात करेंगे कर्क राशि के लिए। कर्क राशि का शुक्र राहु का जो योग है 10th हाउस में बन रहा है, दशम भाव में बन रहा है और दशम भाव का योग काफ़ी हद तक सकारात्मक प्रभाव यहाँ राहु का और शुक्र का देखने को मिलेगा। तो दशम भाव ज़्यादातर जो राजनीतिक है, पॉलिटिक जो थोड़ी पॉलिटिक्स में जिनका रुचि है या पॉलिटिक्स में जो इन्वॉल्व हैं, रहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, राहु का ये जो गोचर है उनके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक पहलू वाला है। वो राजनीति में अगर कोई नई पहचान बनाने में अपनी कोई कोशिश में लगे हुए हैं तो उनको एक बड़ा नया मुकाम यहाँ राहु देगा, क्योंकि राहु इस भाव के अंदर एक अलग पहचान बनाने की आदमी को दिशा देता है और उसी दिशा में जातक चलता है तो उसको एक नया मुकाम हासिल जरूर होता है। शुक्र का दशम भाव का गोचर शुभ माना जाता है, तो दशम भाव हमारे व्यापार का कर्म स्थान है, धर्म स्थान भी है,
तो यहाँ पे जो कर्म है, कर्म को हालांकि राहु अचानक फल देने वाला है, तो कर्म के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ राहु बिजनेस के अंदर कोई एक साथ अच्छी आपको डील करा सकता है, कहीं से अच्छे टेंडर भरेंगे तो उसके आपको अच्छे ऑर्डर दिला सकता है, टेंडर पास हो सकता है आपका, अच्छा आपको एक अच्छा परिणाम दे सकता है। तो मकर राशि वालों के लिए ये समय मैं अच्छा मान के चलते हैं कर्म के हिसाब से, कि शुक्र धनदायक है तो राहु कहीं ना कहीं बिजनेस में भी कारगर साबित होता है। कई बार राहु झटका भी देता है बिजनेस के अंदर, तो व्यापार को बहुत ऊंचे से नीचे भी ले आता है, तो उससे थोड़ा सा हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। बाकी राहु का और शुक्र का जो गोचर है 10th हाउस में कर्क राशि के लिए ठीक रहे। सिंह राशि की बात करते हैं, भाग्य में शुक्र राहु का गोचर बढ़ रहा है, भाग्य भाव धर्म के साथ साथ कर्म का भी भाग कहते हैं उसको, कि भाग्य हमेशा कर्म से बनता है, तो कर्म करेंगे तो भाग्य बनेगा। यहाँ राहु का प्रभाव थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, कारण क्या है, शुक्र की राशि है शनि की सूर्य की राशि है सिंह राशि, और सूर्य नवम भाव का कारक होता है। अब यहाँ राहु जैसा ग्रह बैठता है तो कहीं पिता के साथ कहीं अनबन या कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद यहाँ कराता है। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र भी गोचर में नवम भाव में ठीक होता है, अच्छा प्रभाव देता है, क्योंकि शुक्र है सूर्य धनदायक योग बनाने वाला है, सुख संपत्ति देने वाला है, सुख देने वाला है, तो सुख को बढ़ाएगा। लेकिन राहु का प्रभाव अगर हम पिता के रूप में देखेंगे तो ठीक नहीं है, पिता से कोई अनबन मनमुटाव उसमें राहु ग्रहण लगाएगा, पिता के सुख में राहु यहाँ ग्रहण लगाएगा, ठीक प्रभाव राहु का बिल्कुल भी नहीं होगा। अगली राशि है कन्या राशि, कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि के लिए शुक्र और राहु अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में गोचर हो रहा है। अब अष्टम भाव का जो गोचर है शुक्र के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि शुक्र का अष्टम भाव का गोचर खराब नहीं होता, अच्छा होता है, धनदायक योग बनाता है, अपने घर पे जहाँ धन का भाव है वहाँ दृष्टि देता है, और वैसे भी भाग्य का मालिक बनता है कन्या राशि के लिए। तो भाग्य का मालिक बनने के बाद, धन भाव का मालिक बनने के बाद शुक्र का प्रभाव तो बहुत पॉजिटिव, लेकिन यहाँ राहु बैठ के कौन को रोग परेशानी कन्या राशि वालों को जरूर देगा, अष्टम भावस्थ राहु अच्छा प्रभाव देने में सक्षम नहीं होता, कौन को रोग परेशानी एक साथ कोई ऐसा रोग देगा कि सामने वाले को बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी, हो सकता है कोई हार्ट की दिक्कत दे दे अचानक, या कहीं मार्ग प्रभाव दिखाए तो कोई एक्सीडेंट करा दे छोड़ दे दे। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा समय, ये जो समय है शुक्र राहु की युति का थोड़ा ठीक नहीं है, इससे इनको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। तुला राशि की बात करते हैं, तुला राशि के लिए शुक्र सप्तम भाव में राहु के साथ गोचर कर रहा है। अब तुला राशि का जो स्वामी है स्वयं अपनी राशि को देख रहा है, इसका मतलब राशि शुभ रहेगी, प्रभाव अच्छा देगा, लेकिन राहु को यहाँ बैठने से, क्योंकि केतु भी तुला राशि में बैठे हुए हैं, तो केतु तुला राशि में है और राहु सप्तम में आ गया वहाँ, तो ये थोड़ा सा पति पत्नी के संबंधों में कहीं ना कहीं यहाँ मतभेद होता है। अगर व्यापार की दृष्टि से देखें, काम धंधे की दृष्टि से देखें, तो ये जो प्रभाव है अच्छा है, व्यापार बढ़ जाएगा, काम धंधा बढ़ेगा, अगर काम बढ़ता है तो पैसा भी आता है और लाभ भी होता है, लेकिन पति पत्नी के संबंधों में यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए देखते हैं, छठे भाव में शुक्र और राहु की युति है, तो वृश्चिक राशि वालों को इस समय किसी से कर्जा लेने में थोड़ी सी संकोच करना चाहिए, किसी से कर्जा ना लें, कर्जा चाहे वो बैंक से ले रहे हैं, चाहे किसी प्राइवेट आदमी से कर्जा ले रहे हैं, या किसी साहूकार से महाजन से कर्जा ले रहे हैं, इनको कर्जा लेने से बचना चाहिए। कारण क्या है कि राहु छठे भाव के अंदर नीच का प्रभाव दिखाता है, और नीच का जो शुक्र होता है वो थोड़ा बढ़िया नहीं होता, और एक बार आपने कर्जा ले लिया किसी साहूकार के चंगुल में फंस गए तो निकलना भारी पड़ जाता है। छठे भाव में राहु ठीक होता है,
दुश्मनों को शांत करता है, लेकिन शुक्र का प्रभाव छठे भाव के अंदर अच्छा नहीं माना जाता। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि में शुक्र और जो राहु की युति है पंचम भाव में बन रही है। अब यहाँ एक दिक्कत आ सकती है, पंचम भाव में राहु का जो गोचर है, जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं, ये क्योंकि ये मंगल की राशि है, क्षत्रिय राशि होती है, राहु जैसे ग्रह का यहाँ गोचर कुछ गर्भपात की संभावना बना सकता है। इससे थोड़ा सा संभल के रहें, बच के रहें, सावधानी बरतें। शुक्र का प्रभाव यहाँ मिला जुला रहेगा, संतान संबंधी अगर कोई परेशानी है तो उसमें राहु की थोड़ी सेवा करना या राहु का दान करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। राहु का दान करें तो राहु के प्रभाव से आप बच सकते हैं, नहीं तो ये कुछ न कुछ आपको एक परिणाम बढ़िया यहाँ राहु नहीं देगा। मकर राशि की बात करते हैं, चतुर्थ भाव में शुक्र की राहु की युति बन रही है। अब चतुर्थ भाव हमारी सुख सुविधाओं का, चतुर्थ भाव केंद्र भी है, केंद्र में राहु बैठता है तो नुकसान कम करता है, तो शुक्र यहाँ बैठ के अच्छा मकान वाहन सुख सुविधा सबको देने को तैयार है, दे रहा है और देगा, लेकिन राहु यहाँ बैठ करके अच्छा प्रभाव देता है, लेकिन माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं ये दिक्कत करेगा। और जो हमारा बिजनेस व्यापार है उसमें भी कहीं ना कहीं राहु की वजह से हमें उतार चढ़ाव जरूर आएगा। तो ये समय मकर राशि वालों के लिए थोड़ा राहु का गोचर ठीक नहीं है। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में राहु शुक्र की जो युति है थर्ड हाउस में है, तीसरे भाव में है। अब वर पराक्रम का जो स्वामी है मंगल देवता वह वृष राशि में बैठा हुआ है, और वृष राशि का स्वामी मेष राशि में बैठा हुआ, राशि परिवर्तन है दोनों में। तो यहाँ बैठ के शुक्र भी एक अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि शनि की राशि है कुंभ और शनि खुद दृष्टि दे रहा है तीसरे भाव पे, तो वहाँ जो दृष्टि है शुक्र के ऊपर भी आ रही है और राहु के ऊपर आ रही है, तो यहाँ राहु और शुक्र दोनों बैठ करके एक बड़ा ही पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव देंगे। भाग्य पे दृष्टि से भाग्य बढ़ोतरी होगी, धन बढ़ेगा और उसकी जो विल पावर बढ़ेगी, पराक्रम बढ़ेगा। कहते ना हिम्मत है मर्दा मदद दे खुदा, तो तीसरे भाव में राहु यही देता है, अगर आदमी हिम्मत करेगा तो सब कुछ उसके लिए सुलभ हो जाता, आसान हो जाता है। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि में दूसरे भाव में शुक्र राहु की युति है। परिवार में कहीं ना कहीं राहु की वजह से कोई ना कोई वार्तालाप जरूर होगा, आपस में भाई भाइयों में डिस्प्यूट हो सकता है, परिवार में किसी के साथ कोई कहासुनी नहीं हो सकती है सिर्फ राहु की वजह से। लेकिन शुक्र यहाँ बैठ करके, तो शुक्र अपने भाव से बारहवें भाव में बैठा है, बारहवें भाव जो थोड़ा सा उच्चका माना जाता है शुक्र के लिए इस प्रकार गोचर में भी, तो यहाँ शुक्र तो धंधा के योग बनाएगा मीन राशि के लिए, लेकिन राहु यहाँ बैठ करके कहीं ना कहीं परिवार में थोड़ा सा मनमुटाव, वैचारिक मतभेद, किसी से कहा सुनी अवश्य कराएगा। तो मित्रों, मैंने अभी आपको मीन राशि में शुक्र का गोचर और मेष राशि में शुक्र का गोचर दोनों के बारे में पूरी जानकारी दी। वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय दें। अगला वीडियो लेके शीघ्र हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।